हाय गाइस, मेरा नाम मनन है। दोस्तों आप यहां पे देख रहे हैं स्क्रीन पर, सामने ये मोबाइल है नोकिया 5 और इसका जो मॉडल नंबर है वो है TA1053। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप जो स्क्रीन पर ये वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो जो है हमारे एक सब्सक्राइबर का है। उन्होंने व्हाट्सएप के जरिए से हमें ये वीडियो जो है सेंड किया है और उन्होंने हमसे फ़ोन किया और फ़ोन करने के बाद उन्होंने हमसे कहा कि भाई ये मोबाइल मेरे पास है और इसका हम FRP अनलॉक नहीं कर पा रहे हैं। तो जैसे उन्होंने हमें मॉडल नंबर बताया तो हमने उसे बताया कि भाई इस मॉडल के अंदर में जो CPU लगा हुआ है वो क्वालकॉम का CPU है और क्वालकॉम CPU का FRP अनलॉक आप करेंगे तो उससे पहले आपको ideal mode लाना होगा। तो उन्होंने उसको मैंने बताया भी कि आप ideal mode लेकर के आए, वॉल्यूम प्लस माइनस दबा करके आप मोबाइल को ऑफ करके डाटा केबल लगाएं, वॉल्यूम प्लस माइनस दबाएं और उसका इस्तेमाल करें और ideal mode आ जाएगा। तो उन्होंने हमसे फ़ोन पर कहा कि भाई हमने ये सारी जो क्रियाएं जो प्रक्रियाएं हैं ये सारी हमने आजमा लिया है और इसका ideal mode नहीं आ रहा है। जैसे हम ideal mode ला रहे हैं तो मोबाइल डायरेक्टली ऑन हो जाता है। तो फिर हमने उसे फ़ोन पर कहा कि भाई ideal mode का आप केबल बना लीजिए, उस केबल से आप मोबाइल को जब बूट कराएंगे तो ideal mode ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो फिर मेरे सब्सक्राइबर ने हमसे कहा कि भाई हम जो है ideal mode वाला केबल बनाना नहीं जानते हैं, तो प्लीज़ आप मुझे बताइए कि ideal mode का केबल कैसे बनाते हैं। तो फिर हमने उसे फ़ोन पर बताया ideal mode का केबल बनाने के लिए और उन्होंने हमारे बात पर जो है उन्होंने ideal mode का वाला जो केबल है वो बना डाला डाटा केबल को कटिंग करके। तो दोस्तों उन्होंने जो है मोबाइल को अनलॉक भी कर दिया और उस मोबाइल का वीडियो भी उन्होंने हमें व्हाट्सएप पर सेंड कर दिया। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप जो है नोकिया 5 को जो है उसका FRP अनलॉक कर सकते हैं अपने मेडिकल बॉक्स से या UMT डोंगल से। और ideal mode का केबल अगर आपको बनाना नहीं आता तो ideal mode का आप केबल कैसे बना सकते हैं अपने डाटा केबल को कटिंग करके, अगर आप जानना चाहते हैं तो फिर इस वीडियो को अब लास्ट तक का देखते रहे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे EX मन्नानी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप यहाँ पे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन देख रहे हैं, यहाँ पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है और अभी तक आपने इस बेल आइकन को प्रेस नहीं किया, इस घंटे को आपने अभी तक नहीं दबाया, तो इस घंटे को आप जरूर दबाएं। इससे क्या होगा, जब भी कोई नई वीडियो हम अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करेंगे इसकी जानकारी आपको आपके मोबाइल पर मिल जाएगी और आप आसानी से देख सकेंगे। क्योंकि दोस्तों यूट्यूब ने जो अपना जो नियम है वो चेंज कर लिया, क्योंकि पहले क्या होता था कि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं तो आपको जब भी हम वीडियो अपलोड करते हैं तो आपको जानकारी मिल जाता था। और लेकिन अभी क्या हुआ है कि अगर आप सब्सक्राइब भी कर लिए हैं और आपने अगर बेल बटन को नहीं दबाया है तो आपको वीडियो की जानकारी नहीं मिलेगी, इसलिए आप प्लीज़ जो है मेहरबानी करके बेल बटन को जरूर दबाएँ। तो दोस्तों सामने जो अभी स्क्रीन पर वीडियो देख रहे हैं तो ये वीडियो भी हमारे सब्सक्राइबर ने हमें व्हाट्सएप पे भेजा है, जिस सब्सक्राइबर को मैंने बताया था कि नोकिया 5 को अनलॉक कैसे करना है, तो उसी सब्सक्राइबर ने अनलॉक किया और उसका जो मोबाइल से वीडियो को शूट किया और वो वीडियो जो है हमें व्हाट्सएप पर भेज दिया। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं डिवाइस मैनेजर में जो है ideal mode वाला केबल जो मैंने अपने सब्सक्राइबर को बनाने के लिए कहा था तो उन्होंने उस केबल को बना डाला और उस केबल के माध्यम से उन्होंने अपने नोकिया 5 को जो है डिवाइस मैनेजर से बूट कराया और उसके डिवाइस मैनेजर में QD लोडर 9008 जब आ गया उसके डिवाइस मैनेजर में, उसके बाद उन्होंने जो है उसका FRP अनलॉक किया। तो दोस्तों चलिए हम आपको दिखाते हैं उन्होंने FRP अनलॉक कैसे किया। तो मेडिकल बॉक्स आपको ओपन कर लेना है और मेडिकल बॉक्स जब आप ओपन कर लेंगे तो आपको क्वालकॉम टूल जो है आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और जैसे आप क्वालकॉम टूल सेलेक्ट कर लेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे आपको मेडिकल बॉक्स में मेरे सब्सक्राइबर ने यहाँ पे दिखा रखा है वीडियो में कि आपको जो यहाँ पे क्वालकॉम टूल जो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। सबसे पहले क्वालकॉम टूल जैसे आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे जो मेथड सिलेक्ट करना है कि आपका कौन सा मोबाइल कौन सा कंपनी है, तो यहाँ पे नोकिया मेथड आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और जब नोकिया मेथड आपका यहाँ पे सिलेक्ट हो जाता है तो उसके बाद आपको डायरेक्टली यहाँ पे पोर्ट पर क्लिक कर देना है और पोर्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको QD लोडर 9008 आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको NK यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और NK सिलेक्ट करने के बाद तो दोस्तों जब यहाँ पे आपको NK सेलेक्ट हो जाता है तो उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत सारा यहाँ पे ऑप्शन है क्वालकॉम टूल के अंदर में, अनलॉक का ऑप्शन है, फ्लैशिंग का ऑप्शन है, रीड फ्लैश फॉर्मेट का ऑप्शन है और सबसे लास्ट में आप अगर ध्यान देंगे दोस्तों आपको यहाँ मैं दिखा दूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे सब्सक्राइबर ने यहाँ पे दिखा रखा है कि सबसे लास्ट में जो यहाँ पे एक्स्ट्रा का जो ऑप्शन है तो ये एक्स्ट्रा आपको सेलेक्ट कर लेना है। और जैसे एक्स्ट्रा आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे अदर रिमूव अकाउंट लॉक को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना होगा, ठीक है। और यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद आपको डायरेक्टली जो है स्टार्ट बटन पर क्लिक कर देना है और जैसे आप डायरेक्टली स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका मोबाइल जो ऑटोमेटिकली FRP अनलॉक हो जाएगा क्वालकॉम CPU नोकिया 5 का, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप UMT डोंगल से करना चाहते हैं तो UMT डोंगल में आप QC फायर टूल को ओपन करेंगे, उसमें डायरेक्टली FRP रिसेट का जो ऑप्शन होता है उसे आप सिलेक्ट करके डायरेक्टली उसे आप UMT डोंगल से उसका FRP रिसेट कर सकते हैं क्वालकॉम CPU का,
ठीक है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि कैसे आपको जो है FRP अनलॉक करना है मेडिकल बॉक्स से और UMT डोंगल से। अब चलिए आगे हम आपको बताते हैं कि आपको ADL मोड वाला जो केबल है अपने डाटा केबल को कटिंग करके, किसी भी साधारण या नॉर्मल डाटा केबल को कटिंग करके आप ADL मोड वाला केबल कैसे बना सकते हैं। तो अभी मैं आपको इस वीडियो में आगे दिखाने वाला हूं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक जरूर करें। तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं कि हमारे सब्सक्राइबर ने जो है नोकिया 5TA1053 मॉडल का जो FRP अनलॉक करके दिखा दिया और उसका वीडियो भी शूट करके हमें भेज दिया व्हाट्सएप पर, और उस वीडियो को हम जो है आपको यहां पर दिखा रहे हैं। और आगे हम आपको अभी यहां पर दिखा रहे हैं कि आपको जो ADL मोड का केबल कैसे बनाना है। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और अंत तक देखें तभी आपको पूरी बात समझ में आएगा, नहीं तो फिर आप कमेंट करके पूछेंगे भाई ये ऐसा नहीं हो रहा है वो ऐसा नहीं हो रहा है, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें तभी आपको समझ में आएगा। तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं ADL मोड का केबल बनाने के लिए हमें एक स्विच की जरूरत पड़ेगी, और वो स्विच पहले के जमाने में क्या होता था कि जब CD प्लेयर DVD प्लेयर होता था उसके पैनल में लगा हुआ होता था स्विच, ठीक है। और मार्केट में अगर वो आप स्विच खोजेंगे तो वो स्विच आपको शायद मिल भी सकता है या नहीं भी मिल सकता है, लेकिन अगर आप किसी हेडफोन को अगर आप उसे ओपन करेंगे तो हेडफोन के अंदर में जो है वो स्विच आपको मिल जाएगा आसानी से, ठीक है। तो मेरे पास ये हेडफोन है, नॉर्मल साधारण सा हेडफोन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस हेडफोन के अंदर में एक स्विच लगा हुआ है, तो हमें इस स्विच की जरूरत पड़ेगी ADL केबल बनाने के लिए, ठीक है। तो चलिए हम इस स्विच को पहले यहाँ से निकाल लेते हैं, उसके बाद हम आपको आगे दिखाते हैं कि ADL केबल हमें कैसे बनाना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमने जो है यहाँ पे हेडफोन से जो है इस स्विच को हमने यहाँ से निकाल लिया है, और इस स्विच का कनेक्शन अब हम अपने डाटा केबल को कटिंग करके, हमारे पास कोई भी नॉर्मल डाटा केबल अगर होगा, ठीक है, तो उस डाटा केबल को कटिंग करके हम उसे ADL केबल बना सकते हैं, ठीक है। और उस ADL केबल बनाने के लिए हमें इस स्विच की जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने पहले से एक डाटा केबल को छील करके रखा है, इसमें से 4 वायर निकला हुआ, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इसमें 4 वायर है इस डाटा केबल के अंदर में, और इन चारों वायर में से हमें 2 वायर की जरूरत पड़ती है ADL केबल बनाने के लिए। सिर्फ 2 वायर कटिंग करना पड़ता है, बाकी वायर को कटिंग नहीं करना होता है, ठीक है। तो हम सिर्फ इस 2 वायर को कटिंग करेंगे ADL केबल बनाने के लिए, और ये दोनों वायर जो है कनेक्शन जो है क्या है इसके बारे में आपको वीडियो के अभी अंत में मैं आपको बताने वाला हूँ, डायग्राम दिखाने वाला हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए कि हम ये दोनों वायर में जो कनेक्शन कर रहे हैं ये दोनों वायर कौन सा है, ठीक है। ये आपका D+ है या D- है क्या है, तो इसके बारे में आपको अभी अंत में वीडियो में बता दूंगा आपको। तो चलिए पहले हम आपको दिखा देते हैं कि कैसे आपको इन वायर को जो है इस स्विच से कनेक्ट करना है, और कैसे इसमें स्विच के अंदर में आपको जो है इसमें सोल्डरिंग करना है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि जब भी आप इस वायर को कटिंग करके जब इस स्विच में आप जब सोल्डिंग करेंगे तो आपको ध्यान कर लेना है इस बात का कि आपको ये जो स्विच आप देख रहे हैं इस स्विच को आपको मल्टीमीटर से चेक कर लेना है कि कहीं ये स्विच खराब तो नहीं है। तो आपको स्विच की भी टेस्टिंग करनी होगी मल्टीमीटर से कि ये स्विच आपका सही है या खराब है, स्विच को आपको चेक कर लेना है। और जिस डाटा केबल को आप कटिंग करेंगे उस डाटा केबल को भी आपको चेक कर लेना है कि उसमें जो है उसका जो वायर जो है कौन सा कनेक्शन, 4 वायर जो है उसमें से कौन सा कनेक्शन क्या है, उस सबके बारे में आपको कंफर्म कर लेना है। क्योंकि ओरिजिनल जो डाटा केबल होता है तो ओरिजिनल डाटा केबल का जो कलर होता है, तो मैं आपको बता दूं कि ब्लैक वाला कलर जो होता है वो होता है ग्रीन, उसके बाद रेड वाला जो कलर होता है वो होता है 5 वोल्ट, उसके बाद ग्रीन वाला जो कलर होता है वो होता है डाटा माइनस, उसके बाद व्हाइट वाला जो कलर होता है वो होता है डाटा प्लस, ठीक है। तो आपको उसी हिसाब से ही काम करना है, और अभी मैं आपको समझा देने वाला हूं कि अच्छी तरह से कि कैसे आपको जो है कौन सा वायर इस स्विच के अंदर में जो आपको कनेक्ट करना है, ठीक है। जैसे मैंने आपको यहां पर दिखा रहा हूं कि मैं 2 वायर जो यहां पर जो कनेक्ट कर रहा हूं, तो ये मेरे वायर आप यहां पर देख रहे हैं कि रेड मैंने जोड़ दिया है, उसके बाद ये जो कलर है इस कलर को हमने आपस में जोड़ दिया है, ठीक है। आमने सामने यानी जो भी कलर वायर हो कटिंग करेंगे हम उसको आमने सामने स्विच के लगाएंगे, ठीक है। चलिए आप दोस्तों आप यहां पर समझ लें, यहां पर आप यहां पर देख रहे हैं कि ग्रीन कलर का जो वायर है ये डाटा माइनस है, और उसके बाद व्हाइट कलर का जो वायर है ये डाटा प्लस है, उसके बाद आप यहाँ पे रेड कलर का जो वायर देख रहे हैं इस डाटा केबल में जो लगा हुआ है वो 5 वोल्ट है, ब्लैक कलर का जो वायर है वो ग्राउंड है, ठीक है।
तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो कंपनी का ओरिजिनल केबल होता है उसका जो ओरिजिनल कलर होता है, तो जो कलर मैंने आपको भी दिखाया सेम वही कलर होता है, लेकिन बाकी अगर मार्केट से अगर आप कोई चालू केबल या लोकल केबल अगर आप खरीदते हैं डाटा केबल, तो उसका कलर कोई भी हो सकता है, उसका आपको पता लगाना होगा उसमें कौन सा डाटा प्लस है कौन सा डाटा माइनस है, तो उसी हिसाब से आपको काम करना है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको कि ब्लैक कलर का जो वायर है उसके बाद ग्रीन कलर का जो वायर है, इन दोनों वायर को आपको कटिंग करना है डाटा केबल से, बाकी वायर को छोड़ देना है और उन दोनों वायर को स्विच के आमने सामने आपको लगाना है। जैसे कहने का मतलब ये है कि ब्लैक कलर का जो वायर है वो ग्राउंड है, उसके बाद ग्रीन कलर का जो वायर है वो डाटा माइनस है, तो इन दोनों वायर का ही आपको इस्तेमाल करना है एडीएल केबल बनाने के लिए। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें फेसबुक व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ, और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।